सो गाइस देखिए ये है जो हम साड़ी चढ़ाने वाले हैं। ऐसे पलट दीजिए तो सीधा दिखेगा रेड। तो रेड कलर का बहुत सुंदर सा चुनरी साड़ी, नेट का है साड़ी ये, और चुनरी है वो नीचे देख सकते हैं, ये चुनरी है। तो सब कुछ खरीद के रख लिए हैं कि बस चढ़ाना है, तो चलते हैं माँ को चढ़ाते हैं। और जो साड़ी पहन के हम लोग जाने वाले हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो मम्मी पहन के जाने वाली है ये साड़ी, जो बहुत सुंदर लगता है मेरे को ये रेड कलर का साड़ी बहुत। और हम पहन के जाने वाले हैं ये साड़ी, देख सकते हैं आप। तो ये एकदम न्यू है, टैग भी अभी लगा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर सा लाल साड़ी है जो मम्मी मेरे को बोली यही पहन लो और लेके भी चली जाना, तो मेरे ठीक है। बहुत ही सुंदर हेवी साड़ी है ये। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड अपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। स्टार्टिंग में देखे होंगे आप लोग कि हम लोग जा रहे हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, मन्नत था कुछ तो भारा था जिसको हम लोग अपने ये में बोलते हैं, तो इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं बखूरापुर। तो ये वाला जो चूड़ा है ना ये मम्मी खरीदी है मेरे को यहाँ से जाने के लिए, जैसे यहाँ से विदाई होगा तब पहन के जाने के लिए। बट हम सोच रहे हैं आज भी पहन लेते हैं, फिर तो जाना ही है तो तब भी पहन लेंगे। दिखाते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत सा चूड़ा है। तो गाइस पहन लिया चूड़ा और चूड़ा बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से निकलते हैं वरना लेट हो जाएगा। सो गाइज हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे बखूरापुर मंदिर जाने के लिए। यहाँ ऑटो हम लोग रिजर्व कर लिए थे और यहाँ पे मम्मी, हम, शिवानी और मेरे पति देव, हम सब लोग जा रहे थे। और काफ़ी दिन से इसी दिन का वेट कर रहे थे कि मेरे हस्बैंड आएंगे तब जाएंगे, क्योंकि मतलब भाड़ा वगैरह उतारना था तो सब लोग साथ में हो फैमिली तो अच्छा लगता है, तो इसलिए। और इतना हवा चल रहा था ना कि सर पर पल्लू रख लिए थे, एकदम बाल लग रहा था कि क्या ही बोलें, बहुत ज़्यादा। और मेरा हेयर सूखा भी नहीं था पूरा क्योंकि बाल धो के ही हम गए हुए थे। तो बहुत टाइम से जाने का मन था तो फाइनली हम गए बखूरापुर मंदिर और यहाँ पहुँच चुके थे। और हम लोग एकदम सुबह सुबह निकले थे तो अभी उतना दुकान वगैरह भी नहीं खुला था, बस एक आध खुला था दुकान, तो वहाँ से हम लोग प्रसाद लिए। तो चलिए देखिए ब्लॉग को एंड तक, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज हमारे घर कौन कौन आया था वो भी इसी ब्लॉग में देखने मिलेगा और बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बिना स्किप किए ब्लॉग को एंड तक देखिए। तो गाइज यहाँ प्रसाद वगैरह लेके हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे और मेरे हस्बैंड देखिए इसी तरीके से कैमरे के सामने नहीं आते हैं, जब भी लिया जाता है उनका ना तो ऐसे ही मतलब कवर करने लगते हैं। आप लोग बोलते हो रील्स भी शेयर करने, तो कैसे रील्स शेयर करें, उनको नहीं पसंद तो अच्छा नहीं लगता ज़बरदस्ती ऐसे वीडियोज़ बनाना। बट थोड़ा बहुत जो कैप्चर होता है वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे वो जैसे देखेंगे कि मतलब रिकॉर्ड हो रहा है तो वो इधर उधर जाने लगते हैं, मतलब बोलते हैं मत लो मत रिकॉर्ड करो। होता है कोई कोई इंसान कैमरा साए, तो वैसे ही हैं ये भी, उनको नहीं पसंद कैमरा के सामने आना, तो देख सकते हैं ऐसे फेस करके उधर जाने लगे। तो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं था, मतलब रास्ते में सारा दुकान बंद था। और जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ थे दो चार लोग, तो लगा कि हाँ चलो कुछ लोग हैं,
तो फिर यहाँ पे हम लोग गए और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। सो गाइस, फिर यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे और यहाँ पे ना एक बहुत प्यारा मोमेंट हुआ था जो कैप्चर हुआ था गलती से ही। मतलब यहाँ शिवानी कैप्चर कर ली थी, ये जो मेरे सर पे हम बोले रखने तो मेरे हस्बैंड ये रखे थे सर पे और बहुत शर्माते हैं वो, क्या ही बोले, तो रखने के बाद हंस भी रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पे गए और पंडित जी यहाँ हम लोग देखे कि नहीं है, तो हम लोग को लगा अभी थे फिर कहाँ चले गए, तो फिर आए और हम लोग अपना प्रसाद वगैरह सब कुछ दिए चढ़ाने के लिए। और दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, ढेर सारा आशीर्वाद ले लीजिए। तो यहाँ पे जो साड़ी कपड़े चढ़ाने थे हमको भी, मम्मी को भी, वो सब हम लोग चढ़ा लिए और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना अंदर का ये, कि क्या ही बोलें। ध्यान से हम बहुत पहली बार देखे थे इस तरीके से। यहाँ पे चरण था तो हम सब लोग यहाँ प्रणाम भी कर लिए थे उनके चरण, उनका चरण छू के। तो बहुत ही एक अच्छा महसूस होता है अगर आप माँ का चरण छू के प्रणाम करो तो। फिर पूजा पाठ सब हो गया, पूजा पाठ में जो साड़ी चढ़ाना था वो चढ़ गया, तो फिर हम लोग निकल गए। प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए, वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है तो मतलब रिकॉर्ड नहीं किए। और यहाँ मम्मी है, यहाँ शिवानी है और वहाँ मेरे हस्बैंड है जो कैमरा में नहीं आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा परिक्रमा कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या। फिर हम लोग यहाँ सोचे कि परिक्रमा कर लेते हैं और फिर नारियल भी फोड़ना था, तो मेरे पति बोले चलो नारियल फोड़ लेते हैं। और उस साइड पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे मतलब एक मन्नत जो बांधा जाता है धागा वो भी रहता है, तो मेरे को मंदिर में ये सारा कुछ बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो हम वहाँ पे बांधे भी थे, वो सब आपको शॉर्ट्स में देखने मिलेगा, ब्लॉग में शूट नहीं हो पाया था। तो फिर हम लोग यहाँ पे गए जहाँ नारियल फूटता है, उधर मतलब जा रहे थे हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग देखे ना एक चीज़ कि जब हम लोग इधर गए देखने तो पूरे मंदिर पे इस तरीके से सिंदूर बिंदी लगा दिया गया था। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करिए लोग, पूरा मंदिर ख़राब हो जाता है। और मंदिर को जितना हो सके साफ़ सुथरा रखा करिए, भगवान आपको देख रहे हैं, आशीर्वाद भी देंगे, बट इस तरीके से कहीं भी ये सब करना मतलब मेरे को सही नहीं लगा, तो इसलिए हम बोले। फिर यहाँ पे हम लोग नारियल फोड़ने आए, तो यहाँ मेरे पतिदेव नारियल फोड़ रहे थे और नारियल तो फूट गया था, पानी भी निकल गया था, बट वो अलग हो ही नहीं रहा था, जो नारियल होता है ना वो पूरा नहीं टूट रहा था, क्योंकि थोड़ा सा टूट के गिर जाए तो ठीक रहता है प्रसाद के रूप में। फिर यहाँ पे मम्मी भी नारियल फोड़ी और उसके बाद हम यहीं पे जा रहे थे बांधने। और देखिए यहाँ भी जितना भी मंदिर का मतलब जगह है ना, दीवार वगैरह वो पूरा मतलब रंगा चुका था सिंदूर बिंदी से। तो और जितना मूर्ति था जो उस साइड तो रिकॉर्ड शायद नहीं किए हैं, बट उधर अगर हम आपको रिकॉर्ड करके दिखाते ना, पूरा जो भगवान का फेस है वो नहीं दिख रहा है, तो वो सब हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब ख़राब लग रहा था देखने से। फिर यहाँ मम्मी भी ये धागा बांधी और यहाँ पे बहुत लोग धागा बांधे हैं, देख सकते हैं। और अगर मतलब पूजा पाठ का बात कर रहे हैं ना, तो जो भगवान का फेस रहता है वो छोड़ दिया करिए लोग, इतना ज़्यादा उनके फेस तक पूरा बिंदी चिपकाया हुआ था कि उनका फेस ही नहीं दिख रहा था, ऐसा हो गया था। फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे जल ले रहे थे, यहाँ पे मम्मी भी ले ली थी और पतिदेव भी ले लिए थे। तो फिर यहाँ पे मम्मी बोली पैसा दे के जाए, वो बोले नहीं चढ़ा के आके दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए उधर जाने के लिए जिधर शंकर जी का मंदिर है उधर। दिया जलाना है ना? दिया, दिया, दिया हो गया। कहाँ जलाना है? चलिए ठीक है, चलना है।
फिर यहाँ पे हम लोग आ गए दिया जलाने के लिए, जहाँ हवन कुंड होता है वहाँ पे सब लोग यहीं पे जला रहे थे, क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउ नहीं था दिया जलाना, तो इसलिए हम लोग यहाँ बाहर दिया जलाते हैं। और इतना धुआं लग रहा था ना हवन में से आके कि क्या ही बताएं, पूरा आँख में ऐसे जा रहा था, और इतना हवा चल रहा था कि दिया जल भी नहीं रहा था और बहुत मुश्किल हो रहा था। एक मम्मी दिया जला दी थी और एक में बहुत देर लगा, बार बार बुझ ही जा रहा था, बट फाइनली थोड़े देर बाद जो दीपक है वो जल गया था। उसके बाद हम यहाँ पे पतिदेव को बुलाएं कि साथ में दीपक दिखाया जाए, तो वो आए और फिर हम दोनों साथ में यहाँ दिया दिखाएं। फिर माता रानी को भी दिखा दिए थे। यहाँ इतना धुआं हो रहा था ना कि रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाया है। फिर यहाँ पर हम लोग आ गए, जो पैसा देना था और कुछ लेने का सोच रहे थे ये। मेरे पतिदेव बोले कि नहीं, वहाँ अभी तक रखी है जो खरीदी थी, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि आपके लिए रखे थे वो, तो बोले नहीं नहीं मत लो, बर्बाद चला जाएगा। तो फिर हम छोड़ भी दिए कि आखिर तुरंत जाना है तो रखा रह जाएगा और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या बताएं मेरे को कितना ज़्यादा पसंद है ये। मन करता है जब देखते हैं कि लें ही लें एक। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए कि कुछ ले लेते हैं, यहाँ से कुछ ख़रीद लेते हैं, बट इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा था ना, हद से ज़्यादा। जो हम जो बल्ला टाइप पहनते हैं वो हम जो 30 या 40 रुपीज़ में लेते हैं, वो यहाँ 60 रुपया का मिल रहा था, तो फिर हम छोड़ दिए। फिर इस साइड हम लोग पहली बार आए थे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, इधर हम लोग पहली बार आए थे, है ना। अरे हाँ देखो कितने जूता चप्पल बाहर से ले, चला जाओ अंदर जा, बुलाओ उनको, बुलाओ मम्मी आइए आइए, चलते हैं तो चला जाए अंदर। फिर दर्शन करके हम लोग निकल गए घर के लिए, और बहुत अच्छा लगता है दर्शन करके, बट हमेशा की तरह आज फिर बहुत कुछ सोच के आए थे कि माँ से मांगेंगे, बात करेंगे, बट जाने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं, क्या मांगना है क्या बात करना है सब भूल जाते हैं, बस दर्शन करके आ जाते हैं। और सेम आज भी हुआ, मम्मी भी हमसे बोल रही थी कि हम भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। मंदिर से घर आ गए थे और इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि क्या बताएं। थकना मीन्स थोड़ा सुबह उठ गए थे, मेरे को आज ही बाल भी धोना था, तो 4:15 में उठ गए, 3:45 में उसी टाइम से उठे हुए हैं, तो अजीब सा नींद लग रहा है, बट सो नहीं सकते अभी क्योंकि मेरे मामा के लड़का और लड़की आ रहे हैं, मतलब मेरे भाई बहन आ रहे हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं फिलहाल। तो चलिए दिखाते हैं कि मम्मी दोपहर में क्या बना रही है, क्या कर रही है, चलिए। सो गाइस मम्मी यहाँ, अच्छा पापड़ छान के रख रही है, और यहाँ पनीर, यहाँ बन रहा है पनीर का सब्जी। पनीर अभी बहुत आया हुआ था, ये ऐसा वाला जो ताज़ा पनीर रहता है ना वो अच्छा रहता है, एकदम ताज़ा पनीर है जो मिलता है, तो इसी में से आधा मम्मी बना रही है। हाँ पानी नहीं पिए जा रहे, पी ले रहे। ये क्या का सब्जी है, ग्रेवी अभी रेडी हुआ है, तो ग्रेवी रेडी हो चुका है, पनीर अब डलाएगा। सो गाइस देखिए मेरा भाई आ गया, रिम्पी है, तो सुमिता आ गया, रिम्पी भी आने वाली है। तो ये मेरा भाई जो सुमित है, वो शादी के बाद पहली बार इनसे मिल रहा था, शादी में का मिले मतलब उसके बाद 2 साल बाद मिल रहा है वो, तो बहुत मेरे को भी खुशी हुआ कि मिला। और ये मतलब जो है ना मेरा भाई मामा का लड़का, हम इसको बचपन में इतना ज़्यादा प्यार करते थे ना कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा मेरे को वो पल याद आता है, वो टाइम कि हम उसको कितना माना करते थे, कितना प्यार करते थे उसको। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेरे पतिदेव आए हुए हैं, तो हम लोग कर रहे हैं पार्टी। अभी जो जो हम लोग पूरा ऑर्डर किया है वो तो नहीं आया है फिलहाल। ये क्या लेके आ रही है, कोल्ड ड्रिंक है। सो गाइस ये देखिए हमारा पिज्ज़ा, चलिए खाते हैं पिज्ज़ा। और ये दोनों देखिए, चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। ये देखते हैं, खोलो तो सिवानी।
तो यहाँ पे आ चुका था पिज़्ज़ा और भी ऑर्डर जो हुआ था, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, वो सब अभी आने वाला था। तो यहाँ पे एक साथ सब आता तो और मज़ा आता, बट थोड़ा सा दोनों में लेट हो गया आने में, पिज़्ज़ा पहले आ गया और उसमें लेट, तो इसलिए हमने पहले पिज़्ज़ा खा लिया, क्योंकि पिज़्ज़ा ठंडा होने के बाद उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए। फिर हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा खा चुके थे और ऑर्डर आना बाकी था, और शिवानी देखिए कोल्ड ड्रिंक कितने बड़े वाले जो बोतल होता है उसमें पी रही थी, तो पी नहीं रही थी, शायद रखी हुई थी, याद ही नहीं मेरे को, हाँ पी रही थी। फिर वो देखिए कि रिकॉर्ड हो रहा है तो बंद कर दी इस तरीके से कि कोई बोलेगा कि इतने बड़े बोतल से पी रही है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे और यहाँ पे सब लोग सुस्त पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से, हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, हम लोग बस वो टाइम इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे थे, फिर हमारा थोड़े देर बाद आ गया था जो जो हम लोग मंगाए हुए थे, चाउमीन, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, ये सारा कुछ। तो फिर हम लोग ये सब कुछ खाएं, साथ में कोल्ड ड्रिंक पिएं, और अच्छा लगता है अगर ऐसे छोटा छोटा पार्टी होता रहे, सब लोग साथ में रहे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ सुमित तो इतना लजा रहा था कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था क्योंकि पहली बार शायद मिला था, इसलिए हम लोग से नहीं शर्माता है, अपने जिया जी से ज़्यादा शर्मा रहा था शायद। फिर यहाँ पे हम लोग सब लोग खाएं मिल के, तू ही तो खाता रे खाली वो दूध वो चम्मच से खाती है सुमित और रिम्पी चला गया दोनों, बहुत हम लोग मस्ती किए, रिकॉर्ड तो नहीं किए बट अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये देखिए मम्मी आई है कपड़ा ले जाने, तो मम्मी आई थी कपड़ा ले जाने, भूल गए तो ये बहुत इनोसेंट है बहुत, अभी मम्मी को इतना समझ में नहीं आता है तो भूल जाते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे छत पे और फिर मम्मी कपड़ा ले लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे नीचे। तो सोचे इस ब्लॉग को एंड ही कर देते हैं, है ना मम्मी? तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग बखोरापुर भी गए, बखोरापुर से आए, फिर रिम्पी आई, सुमित आया, फिर दिन भर हम लोग बहुत मौज मस्ती किए, पार्टी किए, तो बहुत अच्छा लगा, है ना मम्मी? तो अच्छा लग रहा था दिन भर, हाँ कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया टाइम पास हो जाता है, बात करते 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 मम्मी को भी अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता मम्मी को क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मम्मी के मैके के लोग थे है ना, मम्मी के भतीजा भतीजी थे तो खुशी हो गई मम्मी को, तो मम्मी बोल रही थी कि चला गया सब तो शांत शांत लग रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो क्या करिएगा, लाइक चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, हरे कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, राधे 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 राधे।